वी इंट्रोड्यूस द मास ऑफ द पुली, है ना। अब तक जितना भी आपने क्वेश्चंस किए है ना, उसमें पुली का मास आप क्या करते थे, मासलेस होती थी पुली। आपकी पहली बार हम आते हैं कि पुली इज हैविंग द सम मास। इसमें केस में जो पुली होगी, पुली इज हैविंग सम मास, है ना। कि अगर पुली का कुछ मास होगा तो उसके क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। कि अब तक तो पुली को हम मान के चलते थे कि मासलेस होगा, लेकिन पुली का कुछ मास भी हो सकता है, है ना। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन सब आ जाएंगे आपके, कि सपोज करो आपका ये कोई पुली है, है ना, और पुली से आपने एक स्ट्रिंग लगा लिया ऐसे, और इसको आपने रूफ पे हैंग कर लिया ऐसे, है ना। किस तरह से रूप पे क्या किया, बेसिकली आपका हैंग कर दिया, और एक स्ट्रिंग पूरे पुली पे वाइंड किया आपने, और इस स्ट्रिंग से आपने क्या किया ना, किसी ब्लॉक को इस तरह से हैंग कर लिया। स्ट्रिंग वाइंड करके एक ब्लॉक आपने क्या किया, बेसिकली आपका यहाँ पे हैंग कर दिया ऐसे, है ना। इस तरह से आपने हैंग कर दिया, है ना। किस सिंबल से आपकी पुली थी, पुली से आपने स्ट्रिंग वाइंड किया और इससे आपने एक ब्लॉक हैंग कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है कि अब तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें पुली को मासलेस लेते थे, लेकिन अब हम पुली का मास भी कंसिडर करेंगे। ये पुली जो भी होगी इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, बेसिकली आपका मास होगा, है ना। तो एज फॉर एग्जाम्पल पुली का कुछ हम मास कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, सपोज आपका इस ब्लॉक का मास एम है, है ना, और इस पुली का मास सपोज 2m, ये केस आ गया, है ना, कि ब्लॉक का मास m है और पुली का मास क्या है, बेसिकली आपका 2m है। तो इसमें ये पूछा जाता है आपसे कि जैसे आप पूरे सिस्टम को रिलीज करोगे, दिस विल मूव डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन a, और जब ये नीचे जाएगा तो ये चीज रोटेट भी करेगी, है ना, ये रोटेट भी करेगी सम अल्फा एक्सेलरेशन से, इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी होगा, है ना, कि भाई ब्लॉक ए से डाउनवर्ड जाएगा तो पुली अल्फा से क्या होगा, बेसिकली आपकी रोटेट भी करेगी, है ना। और जब पुली अल्फा से रोटेट भी करेगी तो नॉर्मली से स्ट्रिंग में कुछ टेंशन भी होगा। तो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं कि फाइंड आउट एक्सलरेशन ए, भाई जो एक्सलरेशन ए होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, कि भाई इस पूरे पूरे में आपसे यही पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या होगी, है ना, और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, एक्सेलरेशन ए और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना, स्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूछा जाता है। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना इसमें ये पुली का आपको मास दिया होगा, तो इसकी सिंपल सी अप्रोच होती है, इसमें हम तीन लाइन का स्टेप यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कि सबसे पहले जब आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक तो हो जाएगा बेसिकली आपका नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, है ना, यही तो स्टेप होता है इसमें, और दूसरा हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, है ना, और तीसरा हो जाएगा रिलेशन बिटवीन द ए एंड अल्फा, है ना, कि यहाँ पे आ जाएगा रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। तो इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना आप, कि ए एंड अल्फा जो होंगे वापस में क्या होंगे, बेसिकली आपके रिलेटेड होंगे। तो तीन स्टेप होती है, नेट फोर्स इक्वल टू एम एन, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एंड थर्ड स्टेप आपकी हो जाएगी रिलेशनशिप बिटवीन द ए एंड अल्फा, है ना। तो इसको अप्लाई करके नॉर्मली हम ए और टी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई एक्सेलरेशन कितना होगा और स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, है ना, कि भाई एक्सेलरेशन कितना होगा और इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट कैसा है आपका, कि जब मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो एक वेट डाउनवर्ड लग जाएगा, दिस इज mg, ऊपर आपका t लग जाएगा, है ना, तो वेट डाउनवर्ड है, t ऊपर है, तो पहला जब मैं स्टेप यूज करूंगा नेट फोर्स, तो मैं लिख दूंगा mg माइनस t इक्वल टू ma आ जाएगा, है ना, इक्वेशन नंबर वन आ गया, कि भाई mg डाउनवर्ड है, t ऊपर है, तो नेट फोर्स mg माइनस t इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। दूसरा, पुली का अल्फा का रिलेट करेंगे तो टॉर्क लेना पड़ेगा, तो टॉर्क जब आप लोगे तो पुली का में भी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं, मैं अलग से बना दे रहा हूँ इससे ज्यादा समझ में आएगा आपको, कि अगर मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाऊं तो इसमें ऐसा नहीं कि फोर्सेस
एक ही एक्ट करेंगे, बहुत सारे फोर्सेस होंगे, क्योंकि अब तो पुली का मास भी है ना, एक तो पुली का वेट लग जाएगा ऐसे सेंटर में इसके, और दूसरा ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना, इससे कुछ टेंशन भी होगा, और एक स्ट्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, इससे टेंशन होगा, है ना। तो सिंपल से आपने ये बोला कि भाई इसमें कुछ फोर्सेस और भी हैं, एक तो इसका वेट 2 mg आ गया, दूसरा आपका ये वाला स्ट्रिंग जो लगी थी ऊपर उसमें टेंशन डैश हो जाएगा, और एक टेंशन आपका ये टी हो जाएगा। और इस सेंटर के अबाउट अगर इस सारे जो भी टॉर्क लगेगा उसकी वजह से इसका एंगुलर एक्सलेशन अल्फा है। लेकिन आप देखो टी डैश एंड 2 mg की वजह से टॉर्क तो जीरो होगा ना, ये अगर मैं पुली के सेंटर के अबाउट टॉर्क लूँ तो टी डैश की वजह से भी कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि वहीं से पास हो रहा है वो, और 2 mg की वजह से भी कोई टॉर्क नहीं होगा। तो जो टॉर्क होगा सिर्फ इस टी की वजह से तो होगा, और टी से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ये पुली की रेडियस हो जाएगी। हाँ आप एज्यूम कर लोगे कि पुली का रेडियस जो है वो आर हो, तो जब हम टॉर्क लिखेंगे, पहले इक्वेशन तो आपने लिख दिया, टॉर्क जो होगा वो टी इंटू आर हो जाएगा इक्वल टू आई अल्फा, है ना, क्योंकि बाकी जो 2 mg और टी डैश है इसकी वजह से टॉर्क जीरो होगा, तो जो भी टॉर्क होगा इस टी की वजह से होगा, है ना। तो टी इंटू आर जो हो जाएगा वो आपका टॉर्क हो जाएगा, वो फर्दर वो आई अल्फा के इक्वल हो जाएगा, है ना। और इसके बाद हम आ जाएंगे इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आपको पता है पुली एज ए डिस्क बिहेव करेगी ना, तो पुली एज ए डिस्क बिहेव करेगी, तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हमारा स्क्वायर बाय टू होता है, तो इसका हो जाएगा 2 m मास है तो 2 m r² / 2 हो जाएगा, ये भी पुट कर देंगे इसमें। तो यहां से आप आई की वैल्यू पुट कर दोगे, यहां से हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे आई। तो आप ध्यान रखना ये स्टेप्स कि आपके एक ब्लॉक आपने स्ट्रिंग वाइन की पुलिस से, एक आपने ब्लॉक हैंग कर दिया। पहले क्या होता था कि ये मासलेस चीज होती थी तो कोई जरूरत नहीं थी आपकी, अब इसमें करना पड़ेगा आपको। तो यहां से आपको आ जाएगा एक्सलेशन और टी निकालना है, तो नेट फोर्स एम ए, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो यहां से एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए आ गया, और टेंशन की वजह से टॉर्क आपका टी इंटू आर हो जाएगा, और ये आई अल्फा के इक्वल हो जाएगा, आई की वैल्यू ये आ जाएगी। और इसके बाद रिलेशन बिटवीन द ए एंड अल्फा, भाई ए और अल्फा में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो ए और अल्फा में रिलेशन निकालने के लिए जस्ट हम पुली ले लेंगे ऐसे, और अगर ये अल्फा से रोटेट हो रहा है ना, तो अगर ना जब भी अल्फा से रोटेट होता है ना, तो उसके पेरिफेरी पे जितने भी पॉइंट होते हैं इसका टेंजेंशियल एक्सलेशन अल्फा आर हो जाएगा, हर पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सलेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, अल्फा आर हो जाएगा इसका भी। अब इस पॉइंट पे आप फोकस करो कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ना ये अल्फा आर से नीचे जाएगा, और चूंकि स्ट्रिंग सेम ही तो है, तो अगर ये पॉइंट अल्फा आर से नीचे जा रहा है तो इसी एक्सलेशन से तो ब्लॉक जाएगा नीचे। तो जो रिलेशन ए एन अल्फा हम निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे, जब भी कोई पुली रोटेट होगी तो अगर उसका अल्फा एंगुलर एक्सलेशन है, तो पेरिफेरी पे जितने पॉइंट होंगे उनका टेंजेंशियल एक्सलेशन अल्फा आर हो जाएगा, और अगर इस पॉइंट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सलेशन अल्फा आर है तो उसी एक्सलेशन से तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा। तो थर्ड जो रिलेशन हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे अल्फा आर के इक्वल हो जाएगा, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कि नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और ए और अल्फा में ये रिलेशन हो जाएगा। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, उससे ए भी आ जाएगा और टी भी आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दो क्या आपका आंसर, चेक करो जरा आई की वैल्यू पुट करके व्हाट आंसर यू आर गेटिंग ऑफ ए एंड अल्फा, ए एंड टी।
है ना। तो इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको कुछ आंसर आया होगा, चक्रों के आंसर आ सकता है इससे। है ना, मैं अभी सॉल्व करता हूँ ऐसे, वैसे आप ट्राई कर लो थोड़ा सा। है ना, इससे आ जाएगा आपका आंसर। जैसे आई की वैल्यू तो हमारा स्क्वायर ही होगी, वो आर वगैरह वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। है ना, चेक करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इसे। भाई पहला इक्वेशन जो आपने लिखा था यहाँ पे वो था बेसिकली आपका एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। दूसरा इक्वेशन आपने लिखा था टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई आपका एम आर स्क्वायर ही हो गया था, है ना। और तीसरा इक्वेशन आपने बोला था ए इज इक्वल टू अल्फा आर होगा। तो आप क्या करोगे कि यहां से एक आर तो कैंसिल ही हो गया और अल्फा की वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे, तो इस इक्वेशन से टी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। कि अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है एक और आर कैंसिल हो जाएगा, टी इक्वल टू एम ए आ जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए आ गया। तो यहां से ए की वैल्यू जी बाई टू आ गई, है ना। किस केस में इसका जो एक्सेप्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इसलिए आपकी जी बाई टू। और एक बार ए आ गया तो टी भी आ जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू एम ए के इक्वल ही तो है, एम जी बाई तो टू। क्लास कब से स्टार्ट हुई? तो बेटा 4 o'clock से स्टार्ट हुई है। उसमें 4:30 लिखा था तो मैं कंफ्यूज हो गई। बेटा 4:30 था क्या टाइम आज? नो सर, 4 ही था वो, आपने लिंक तो सर, भेजा था लेकिन उसके ऊपर आपने लिंक फोर में थर्टी फोर था थर्टी भेजा था। अच्छा, लिंक में 4:30 लिख दिया था मैंने। ओहो, ये गड़बड़ हो गया। ओहो, गलत लिख दिया होगा मैंने। एक्चुअली आज क्लास बहुत सारी है इसलिए थोड़ा सा मिक्स हो गया मैं। हाँ, ये 4:30 PM गलती से हो गया। ओके ओके, कोई नहीं, अभी एक ही क्वेश्चन किया हमने ये, है ना। मैं आपको थोड़ा ओके सर, रिकैप कर देता हूँ इसे मैं, है ना। कि रिकैप करने में मैंने क्वेश्चन जो यही किया है कि भाई मैं थोड़ा सा रिकैप करके फिर आगे कर लेते हैं। है ना, कि भाई इसमें सिंपल सा ऐसा है कि भाई कल हम जो डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो नेट टॉर्क 0 होगा, और नेट टॉर्क 0 होगा और ट्रांसलेशन के लिए नेट फोर्स 0 होगा, कल आपने ही तो पढ़ा था। और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो नेट टॉर्क आई अल्फा के इक्वल होगा और नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो मैंने ही बोला कि भाई अब क्या होगा ना, कि पहली बार हम पुली का मास इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। कि भाई अब तक तो पुली मासलेस लेके चलते थे ना, तो अब क्या होगा, पुली का कुछ मास होगा। तो सपोज मैंने एक पुली ले ली जिसका कि मास 2m है, इसके चारों तरफ आपने एक स्ट्रिंग वाइंड कर दी और उस ब्लॉक से आपने एक m मास का ब्लॉक हैंग कर दी। तो मैंने ये पूछा कि जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो ये डाउनवर्ड जाएगा ये एक्सेलरेशन से, तो ये एक्सेलरेशन कितना होगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, है ना। तो सिंपल से मैं लिखना शुरू करूंगा, तो भाई सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए की ये इक्वेशन आ गई, भाई एम जी नीचे ही चला गया, टी ऊपर चला गया, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए आ गया। फिर मैं लिखूंगा नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो मैं पुली का अलग से मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में बना लिया, तो पुली का वेट 2 mg था, एक ऊपर जो स्ट्रिंग थी इसमें टेंशन टी डैश था और ये टेंशन टी हो गया, और पुली जो होगी पुली अपने सेंटर के अबाउट अल्फा से रोटेट हो रही है। तो अगर मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क, तो 2 mg और टी डैश की वजह से टॉर्क तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो वहीं से पास हो रहे हैं। तो टॉर्क सिर्फ टी की वजह से होगा ना, तो टी इंटू आर, आर रेडियस ऑफ द पुली है, तो टॉर्क टी आर हो गया इक्वल टू आई अल्फा। अब इसमें आई जो पुली का होता है ना वो डिस्क कर लेते हैं, तो डिस्क का एम आर स्क्वायर, लेकिन मास 2m है तो 2mr² / 2 आ गया। और उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई एक तो आपने बोला एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए आ गया, इसका एक्सेशन ए है, अगर पुली का एंगुलर एक्सेशन अल्फा है तो टी आर इक्वल टू आई अल्फा आ गया। अब ए और अल्फा में रिलेशन भी तो आएगा, तो उसके लिए मैंने ये बोला कि कोई भी चीज जब अल्फा से एक्सलेट होती है तो इसके पेरिफेरी के जितने पॉइंट होते हैं उसका कुछ ना कुछ टेंजेंशियल एक्सलेशन होता है। अगर ये अल्फा से इस तरह से हो रही है तो पेरिफेरी के जितने पॉइंट होंगे उसके कुछ ना कुछ टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा।
और वो टेंजेंशियल एक्सलेशन की वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्टली आपकी अल्फा आर होती है ना। तो मैंने बोला कि भाई अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है तो टेंजेंशियल पेरिफेरी के पॉइंट आर का एक्सलेशन अल्फा आर है। तो अगर एक्सलेशन अल्फा आर है तो इस पॉइंट को अगर मैं सोचूं तो ये अल्फा आर से नीचे जा रहा है ना, और जिस पॉइंट एक्सलेशन से ये पॉइंट नीचे जाएगा उसी से तो ब्लॉक नीचे जाएगा क्योंकि तो स्ट्रिंग तो अनस्ट्रेचेबल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए और अल्फा आर की वैल्यू सेम होगी, ए और अल्फा आर आ गया। तो अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन गेट द वैल्यूज है ना, कि तीनों को सॉल्व करके हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो पहले हम ये टॉर्क वाली इक्वेशन नहीं लिखते थे है ना, पहले भी अल्फा होता था लेकिन चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता था, भाई कोई भी चीज अगर पुली मासलेस है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर जीरो होगा तो सेकेंड इक्वेशन तो बनेगी ही नहीं ना, है ना। लेकिन मास जब होगा तो वो वाला लिखना पड़ेगा। तो अब इन तीन इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया। तो जैसे मैंने तीन इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व किया, आई हैव गॉट दिस आंसर है ना, कि तीन इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे टी और ये निकालना है ना, कि भाई यहां से तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके टी की वैल्यू आपकी एम जी बाई टू आ गई, ए इज इक्वल टू जी बाई टू आ गई हम। तो यही मैंने डिस्कस किया अभी, भाई जो कल जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ओके सर। ये आ जाएगा राइट। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसे ही मैं, जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जस्ट मैंने आपसे ये बोला कि सपोज आपकी ये पुली कोई है ना, और इस पुली से आपने कोई वेट हैंग कर लिया, ये पुली है, पुली के सेंटर से आपने ऐसा लिख लिया, बस थोड़ा सा डाटा में चेंज कर देता हूँ ये ऐसा है ना, और इससे आपकी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इसके चारों तरफ वाइंड अप है, और इस स्ट्रिंग से आपने कोई ब्लॉक हैंग कर दिया है ना, कि ब्लॉक आपने इस तरह से हैंग कर दिया। तो जैसे सिस्टम को रिलीज करेंगे दिस ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड, एक्सेशन ए, ये पुली अपने सेंटर के अबाउट अल्फा से एक्सलेट होगी और स्ट्रिंग में टेंशन होगा। अब आपको थोड़ा सा इसमें वैल्यूज अलग दी हुई है, आपको ब्लॉक का भी मास एम दिया हुआ है एंड पुली का मास भी एम दिया हुआ है। तो अगर दोनों मास एम है देन फाइंड आउट एक्सलेशन ए एंड टेंशन इन स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो जरा।
ए और टी की वैल्यू कितनी है करना है आपने। अच्छा ऐसा आ रहा है क्या नवे, ये आंसर आ रहा है क्या, चेक करता हूँ जरा। मैंने तो ऐसे दे दिया इसे, बाकी भी चेक करता हूँ मैं। ना ये तो नहीं आना चाहिए आंसर जो आपने भेजा है, थोड़ा ठीक से देखो जरा सा। चल देखते हैं, इसका तो आंसर आ जाना चाहिए था ऐसे। मैं चेक करता हूँ जरा से आंसर, क्या पता आपका सही हो जो आपने भेजा है। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लूंगा। तो एकदम सिंपल सी थ्योरी है, आप यहाँ पे एक वेट ले लो और ऊपर टेंशन आपका टी ले लो, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आप ये लिख सकते हो कि भाई एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए होगा। फिर हम इसमें टॉर्क की इक्वेशन लिख लेंगे, तो टॉर्क आपको होता है इस टी की वजह से तो होता है, बाकी इसका जो भी वेट और टी डैश होगा उसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा, और टी की वजह से टॉर्क हो जाएगा टी इंटू आर, तो टॉर्क की इक्वेशन हो जाएगी टी आर, है ना, इक्वल टू आई अल्फा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका मास एम ही है, ये एम आर स्क्वायर ही, एम आर स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, है ना, डिस्क के जैसा ही होता है, तो एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा आ गया। और थर्ड ए और अल्फा में रिलेशन तो सेम ही होगा, ए इक्वल टू अल्फा आर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इसमें, यहां से आपका एक टी आर तो कैंसिल हो गया आपका, और अल्फा की वैल्यू ए बाई आर यहां पुट कर देंगे, तो यहां से टी की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो एम ए बाई टू आ जाएगी। अब इस टी की वैल्यू एम ए बाई टू था उसको यहां पुट कर दोगे आप, तो यहां से एम जी इक्वल टू आपका हो गया एम ए प्लस एम ए बाई टू, है ना। तो मतलब यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी जो आएगी वो टू जी बाई थ्री आ जाएगी, कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2g/3 m/s² आ जाएगी। दिस इज द एक्सेलरेशन, है ना, कि जैसे हम रिलीज करेंगे इतना एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा। और एक बार अगर एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो टी आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आपकी mg/3 आ जाएगी, है ना। तो सिंपल स्टेप यही यूज करते हैं इसमें, है ना। मतलब पूरे अभी लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था? लास्ट में पुली का मास डबल था एक्चुअली, 2m था लास्ट क्वेश्चन, इसका मास आपका 2m दिया था मैंने। तो जब 2m देंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ना आई इक्वल टू हाफ 2mr² हो जाएगा, तो टू टू कैंसिल हो जाता था इसमें, ओके सर, ओके, गॉट इट। ये डिफरेंस था दोनों में। उसमें जो पुली का मास था मैंने ज्यादा दिया हुआ था, इसमें मास दोनों का सेम है, तो चूंकि मास सेम वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मास पुली का है उतना ही ब्लॉक का है, तो
जब रिलीज करेंगे तो एक्सलेशन और टी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एक्सलेशन भी निकाल सकते हैं, टी भी निकाल सकते हैं, अल्फा भी निकाल सकते हैं, एक बार अल्फा भी पूछते हैं। तो एक्सलेशन जैसे आपका आ गया 2g/3, है ना, टी की जो वैल्यू आ गई वो आपने बोला mg/3 आ गई। आप अल्फा भी निकाल सकते हो यहाँ से, अल्फा इक्वल टू a/r ही तो होगा, तो अल्फा की वैल्यू आपकी r डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 2g/3 r हो जाएगा, है ना। तो ये तीन स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नेट फोर्स एम एन, नेट टॉर्क आई अल्फा, ए और अल्फा मॉड्यूलेशन, अगर एक्सलेशन है तो, और अगर एक्सलेशन नहीं है इक्विलिब्रियम है तो फोर्स एंड टॉर्क बैलेंस होंगे, है ना, कि अगर एक्सलेशन नहीं है तो फोर्स एंड टॉर्क क्या होंगे, बेसिकली आपके बैलेंस हो जाते हैं, है ना। तो पहली बार हमने क्या किया ना, अब तक पुली मासलेस लेके चलते थे, पहली बार हमने मास ऑफ द पुली ले लिया है कि पुली का मास जो है वो आपका इतना है, है ना। तो इसको आप लिख लो, तो यहाँ कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन मैं पुली का ही शेयर कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी थोड़ा सा आप ट्राई करो। स्टेप्स वही यूज करने जो मैंने बताया अभी आप। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल सा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, एक्सलेशन का रिलेशन ही पूछा हुआ इसने बस। ये तो इससे हो जाएगा, ए इक्वल टू अल्फा आर से, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। हाँ मैंने भेजा ना, सही आंसर है आपका, मेरा आंसर इज करेक्ट, सही आपका आंसर है।
है, सही बताया इन्होंने कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम कुछ नहीं करना है आप, जैसे कोई चीज जैसे पुली से लगी हुई है ना, तो अल्फा तो सबका सेम ही होता है ना, केस में, सब केस में जो अल्फा की वैल्यू होगी दैट विल बी द सेम, है ना। इसने बोला ये जो नीचे जा रहा है डाउनवर्ड एक्सलेशन से, एक्सलेशन की वैल्यू इसने दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये पूछ रहा है कि अगर ये डाउनवर्ड जाएगा तो ये चीज अपवर्ड जाएगी ऐसे, तो इसका एक्सलेशन ए कितना होगा, है ना। कि इसका एक्सलेशन अगर ए वन ले लें तो ए टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। तो कुछ भी नहीं, अल्फा तो दोनों का सेम ही होगा। तो आप क्या करोगे, अल्फा जब निकालेंगे तो अगर मैं इसकी वेस से अल्फा निकाल रहा हूँ तो मैं ए वन बाई उसका रेडियस ले लूंगा, ये रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और जब मैं ए टू की वैल्यू इससे मतलब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ए वन की वैल्यू आपको 5 पता ही है, तो 5/2 अल्फा आ गया रेडियन पर सेकेंड, है ना। 5/2 रेडियन पर सेकेंड इसका क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब ए टू निकाल लेते हैं, जब ए टू निकालोगे तो अल्फा इंटू आर हो जाएगा, तो अल्फा तो ए है, अल्फा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आर जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो ए टू की वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना। तो पहले जो 5 दिया हुआ था उससे आपने अल्फा निकाल लिया, और सेम अल्फा दूसरे का भी तो होगा, तो फिर उससे आपने ए इक्वल टू अल्फा निकाल लिया। तो यही फॉर्मूला यूज करना होता है सारे क्वेश्चन में, है ना। ए इक्वल टू अल्फा आर यूज करके इस सारे न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू अल्फा आर इसमें यूज करना था खाली, आपको और कुछ निकालना भी नहीं था इसमें, है ना, कि सिर्फ आपको क्या यूज करना था, ए इक्वल टू अल्फा आर। ये आ गया। हाँ अब आ जाते हैं नया टॉपिक पे, है ना। वी डिस्कस वन नॉट न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज ए टॉपलिंग, है ना। कि टॉपलिंग में भी यही कंसेप्ट यूज होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं एज ए न्यू टॉपिक लेके चल रहा हूँ, दैट इज नोन एज ए टॉपलिंग, है ना। कि भाई ये चीजें जानने के बाद, पुली का मास कंसिडर करने के बाद एक टॉपिक आ जाता है, दैट इज नोन एज ए टॉपलिंग, है ना। कि कोई चीज टॉपल कब होगी, है ना। कि हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली आपके टॉपलिंग की, टॉपलिंग है ना। टॉपलिंग का मतलब पलटना हो गया, कि कोई भी चीज पलटेगी कब, जैसे मूव करती है तो आपको पता है कि फोर्स जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो बॉडी मूव कर जाएगी, है ना। लेकिन टॉपल कब करेगी, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया ना, एक इस तरह से बॉक्स ले लिया कोई, है ना, कि कोई बॉक्स है और ये किसी रफ सर्फेस से रखा हुआ है ना। कि पूरा बॉक्स जो प्लेस्ड है किस पे प्लेस्ड है, बेसिकली आपके रफ सर्फेस पे, क्योंकि अगर कोई चीज स्लिप कर जाएगी ना तो फिर टॉपल ही नहीं करेगी वो, तो दिस इज द रफ सर्फेस। और एक चीज लिखी हुई है, फ्रिक्शन इज सफिशियंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, फ्रिक्शन इज सफिशियंट, है ना, टू प्रिवेंट स्लिपिंग, प्रिवेंट स्लिपिंग। वह फ्रिक्शन इतना है कि वो स्लिपिंग को प्रिवेंट कर सकता है, मतलब कितना ही फोर्स लगाएंगे स्लिप नहीं करेगा। अब इसमें ये पूछा जाता है आपसे कि यहां पे मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूं टॉप पे, है ना, कि टॉप पे मैं क्या अप्लाई करता हूँ, बेसिकली आपका कोई फोर्स, है ना, एफ अमाउंट का फोर्स अप्लाई करता हूँ मैं इसमें। इस पूरे बॉक्स का मास एम है, इसकी आपको हाइट एच दी हुई है ना, और इसकी विड्थ जो है वो बी है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक, रिक्वायर्ड टू टॉपल द बॉक्स, टॉपल द बॉक्स। अगर इसके बॉक्स को मुझे टॉपल करना है तो कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ये आपको निकालना होता है कि फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द बॉक्स। इसका म्यू नहीं दिया होगा, म्यू जरूरत ही नहीं है आपको, मतलब इतना दिया हुआ है कि स्लिप नहीं करेगा, है ना, म्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मतलब ये स्लिप नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है ना। तो थोड़ा सा मेरे मन में ये सवाल आता है कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ना हूं, एक तो मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, एक इसका वेट लग जाएगा ऐसे, है ना, कि बड़ा मतलब क्रिटिकल चीज है कि एक यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका वेट,
है ना, और इसमें एक नॉर्मल फोर्स भी लग जाएगा ऐसा, कि यहाँ पे आप बेसिकली आपका एक नॉर्मल फोर्स भी लग जाएगा ऐसा, वेट एंड नॉर्मल फोर्स दोनों लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल लग गया, ये आपका इसका सेंटर है और ये इसका वेट लग गया, है ना, और जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, और चूंकि ये चीज स्लाइड तो कर नहीं रही है, तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना फ्रिक्शन होगा। तो अब मेरे मन में ये सवाल आता है कि अगर मैं सेंटर के अबाउट सोचूं तो वेट की वजह से टॉर्क जीरो है, नॉर्मल की वजह से टॉर्क जीरो है, एफ इसको टॉपल करना चाहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है, ये फ्रिक्शन भी तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना, समझ रहे मेरी बात, कि Yes. भाई वेट की वजह से टॉर्क जीरो है, नॉर्मल की वजह से भी जीरो है, एफ भी इस क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है, फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है, तो क्या चीज फिर उसको टॉपल होने से रोकती है? टॉपल होने से कोई चीज रोक तो रही नहीं रही है, तो कितना भी कम फोर्स लगाएंगे तो उसको टॉपल कर जाना चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि अगर कम फोर्स लगाओगे तो चीजें टॉपल नहीं भी कर सकती हैं, तो क्या चीज इसको रोक रही होगी? कोई ना कोई, एमजी नहीं, एम जी की वजह से टॉर्क तो जीरो है बेटा, अगर मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क लूं तो एम जी और नॉर्मल तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, तो अगर कोई क्लॉकवाइज टॉर्क है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कोई होगा तभी तो रोकेगा उसे, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किस फोर्स की वजह से है ये सोचना है मुझे, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो आपका किस फोर्स की वजह से है ना, कि भाई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा वो किस फोर्स की वजह से होगा ये सोचना है आप। एनफोर्स में से तो कोई नहीं कर रहा. हाँ, इसमें इनफोर्स में से इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉर्मल कि जो पॉइंट ऑफ, जैसे वेट तो सेंटर ऑफ मास में लगता है, लेकिन नॉर्मल सेंटर ऑफ मास में नहीं लगता है ना, ये नॉर्मल फोर्स होता है ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास में एक्ट करेगा, तो हमने गलत बनाया हुआ है, तो हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स, कि नॉर्मल फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कोई फिक्स नहीं होती है, वो एज पर रिक्वायरमेंट लगता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स, राइट, शिफ्ट है ना, टू प्रिवेंट टॉपलिंग, टू प्रिवेंट टॉपलिंग है ना, कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स शिफ्ट होगा किसको प्रिवेंट करने के लिए, बेसिकली आपके टॉपलिंग को, है ना, कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स शिफ्ट होगा ताकि टॉपलिंग क्या हो, बेसिकली आपकी प्रिवेंट हो, ये मेन कंसेप्ट है इसमें, है ना, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे ना, तो नॉर्मल फोर्स, जैसे वेट तो सेंटर ऑफ मास में लगता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाकी चीज जो होती है ना टॉर्क के अकॉर्डिंग उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है, किसी भी दूसरे फोर्स की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है ना वो टॉर्क के अकॉर्डिंग होती है, इनफैक्ट वेट का भी टॉर्क के अकॉर्डिंग ही है ना, कि वेट सेंटर मास में लगता है तभी तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बॉक्स को ऐसा ले लूंगा तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे नॉर्मल फोर्स जो होगा ना वो शिफ्ट होता जाएगा, है ना, कि जैसे जैसे आपने यहाँ पे फोर्स बढ़ाना शुरू किया है ना, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो होगा ना ये राइट, वेट तो वहीं पे रहेगा जहां पे एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ मास में, फ्रिक्शन भी इस सरफेस के अलोंग ऐसे एक्ट करेगा, है ना, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है ना वो आगे शिफ्ट होना शुरू होगा, है ना, कि नॉर्मल फोर्स हो सकता है शिफ्ट होके कहीं यहाँ पे आ जाए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है ना, तो रोकेगा उसे, है ना, लेकिन ऑब्वियस बात है कि कितना आगे से जा सकता है नॉर्मल फोर्स, है ना, इसकी कोई लिमिट है ना, नॉर्मल फोर्स समय से तो आगे तक थोड़ी चला जाएगा, इसके आगे थोड़ी जा पाएगा यहां तक, ये मैक्सिमम लिमिट है ना, तो नॉर्मल फोर्स एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स शिफ्ट टू प्रिवेंट टॉपलिंग, अब सही है ना, कि अगर इस फोर्स पे नॉर्मल शिफ्ट होकर एक्सट्रीम कॉर्नर पे आ गया तो उसके बाद अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो बॉडी टॉपल कर जाएगी, है ना, इसके बाद अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉडी क्या कर जाएगी, बेसिकली आपकी टॉपल, है ना, कोई भी चीज है टॉपल ऐसे ही तो करती है, आप थोड़ा ध्यान दो, कि कोई भी चीज जब टॉपल करेगी वो ऐसे तो करती है, कोई भी चीज मैंने रख दिया ऐसे, जैसे मैंने इसको इसको इसके ऊपर रख दिया ऐसे, अब मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो थोड़ी टॉपल करेगा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाऊंगा तो एक फोर्स के बाद ही तो टॉपल करेगा, तो आप देखो वो कॉन्टेक्ट तो कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया ना, पहले तो पूरा कॉन्टेक्ट था, जब जैसे मैंने फोर्स लगाया तो कॉन्टेक्ट कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया, नॉर्मल वहीं चला जाएगा ना, उसके बाद अगर हम ज्यादा फोर्स बढ़ाएंगे तो टॉपल कर जाएगा,
हाँ, तो नॉर्मल फोर्स दूसरे कॉर्नर पे चला जाता है, उसके बाद अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो जो बॉडी होगी वो टॉर्क पे कर जाएगी, तो फोर्स हम निकाल सकते हैं कितना होगा, है ना, कि आप टॉर्क को बैलेंस करके निकालोगे, टॉर्क को बैलेंस ही तो करना है। तो मैंने बोला कि भाई ये वाला डिस्टेंस एच बाई टू है, ये वाला डिस्टेंस भी एच बाई टू हो जाएगी, तो मैं बोलूंगा कि क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, तो एफ की वजह से टॉर्क जो होगा वो एफ इंटू एच बाई टू हो जाएगा क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क होगा वो स्मॉल एफ इंटू एच बाई टू हो जाएगा क्लॉकवाइज। लेकिन अब इसको क्या चीज बैलेंस कर रहा होगा, वेट की वजह से टॉर्क तो जीरो है नॉर्मल की वजह से, तो नॉर्मल की वाला डिस्टेंस बी बाई टू हो जाएगा, तो इसको जो बैलेंस कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नॉर्मल इंटू बी बाई टू हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इससे ज्यादा अगर आपने फोर्स लगाया इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के अलावा तो फिर बॉडी टॉपल कर जाएगी। अब इसमें आपको पता है कि अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो मतलब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल होगा, अगर ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है मतलब एन की वैल्यू वेट के इक्वल होगी। भाई वेट कहीं भी लगे, ऊपर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स तो इक्वल होंगे, तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स तो सेम है, तो ये एफ एच हो जाएगा और एन की वैल्यू एम जी आ गई इंटू बी बाई टू आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया मिनिमम फोर्स की वैल्यू एम जी बी बाई टू एच, है ना। कितना फोर्स अगर हम टॉप पे अप्लाई करें तो ये टॉपल कर जाएगा। हाँ, दिस फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू टॉपल, अगर इसको टॉपल करना है तो ये फोर्स उससे होना चाहिए, तो नॉर्मल शिफ्ट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स को फिक्स नहीं होती है कि यहाँ पे होगा, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज है कि टॉपलिंग को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मल फोर्स की पॉइंट ऑफ लोकेशन शिफ्ट होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आएंगे टॉपलिंग के ऊपर। ठीक, तो ये टॉपलिंग का केस होता है ना, तो ये हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई करो आप इसे, है ना, ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये लिख लेना ध्यान से आप टॉपलिंग के टॉपिक को। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा मुझे एक चीज और आपको एक्सप्लेन करनी है कि जो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे ना अभी ये वाला, इसमें हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते थे। मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उससे आपको थोड़ी सी ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। वेट फॉर अ मोमेंट। है ना, जैसे मैंने तो सेंटर के अबाउट लिया, आप चाहे तो इस कॉर्नर के अबाउट भी ले सकते थे टॉर्क इसके अबाउट, है ना, कि अगर ओ पॉइंट के अबाउट ले लूंगा तो बैलेंस टॉर्क अबाउट होगा,
अबाउट ओ, तो उससे भी सेम ही आंसर आता। आप क्या होता, ओ से जब टॉर्क लेते तो एफ की वजह से टॉर्क एफ एच हो जाता है ना, और एन की वजह से जीरो हो जाता, वो तो वहीं से पास कर रहा था, फ्रिक्शन वाला भी जीरो हो जाता। ये क्लॉकवाइज टॉर्क को अब वेट का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस करता, तो ये आपका हो जाता है वेट इंटू एम जी इंटू वी बाई टू। तो सेम आंसर वही आ गया कि एफ की वैल्यू आपकी एम जी बी बाई टू एच होता है। तो कई बार सेंटर ना लेके, ये मैंने इक्वेशन लिखी है अबाउट सेंटर, तो अब इसमें mg बैलेंस कर रहा है। हाँ, इसमें mg कर रहा है ना, कि भाई जैसे अगर मैं ओके अबाउट लूंगा, कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम में होगी ना, तो कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। इसके अबाउट लेंगे तो नॉर्मल की वजह से टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन की वजह से जीरो, तो एफ की वजह से जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उसको mg की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर लेगा, तो उससे फोर्स की वैल्यू सेम आती है। आप पॉइंट कोई भी चूज कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे, देखो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आसान है ना, तो क्योंकि इसमें दो टॉर्क ऑलरेडी जीरो हो गए ना, एन की वजह से भी टॉर्क जीरो हो गया, फ्रिक्शन की वजह से भी जीरो हो गया, तो सिर्फ एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बच गया। इसमें क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे, तो कई बार हम टॉर्क जो होता है वो दूसरे कॉर्नर के अबाउट भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है ना, तो वो कई क्वेश्चन में उससे ईजी हो जाती है चीजें। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, मतलब टॉपलिंग तब करेगा जब एक्सट्रीम कॉर्नर में नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट तो आपको एक्सट्रीम कॉर्नर में ही करना है। हाँ, ऋतिका योर आंसर इज करेक्ट, सही बोला आपने, सही बिल्कुल आंसर दिया आपने।
नवी आपका आंसर अलग आ रहा है, तो देखते हैं। वैसे तो ऋतिका आपका आंसर सही है, चेक करता हूँ मैं, है ना। वैसे तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम लाऊंगा ना, तो इसका जो सेंटर होगा, वेट तो सेंटर पे लग जाएगा। एग्जैक्टली, फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बना देते हैं। वेट आपका सेंटर पे लग गया, एकदम सेंटर पे ऐसे, और वेट की वैल्यू आप एमजी ले लो, है ना। अप्लाइड फोर्स आपने टिप पे लगाया हुआ है ना। और अब उसके बाद जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे, नॉर्मल फोर्स जो होगा आगे शिफ्ट होता जाएगा, और एक स्टेज पे जब ये टॉपल करने वाला होगा तो नॉर्मल फोर्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एक्सट्रीम एज पे ले जाओ नॉर्मल फोर्स को ऐसा। और चूंकि इसने बोला हुआ है कि इस फ्रिक्शन सब्सिस्टेंट लाइक प्री डज नॉट स्लाइड, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो मैं बैलेंस टॉर्क करूंगा वो पॉइंट के अबाउट। सेंटर के अबाउट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आई विल बैलेंस द टॉर्क अबाउट ओ। कि टॉर्क को बैलेंस कर लेंगे किसके अबाउट, अबाउट ओ के, है ना। तो एफ की वजह से टॉर्क निकालेंगे जो क्लॉकवाइज होगा, तो एफ इंटू ये वाले पूरे डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना आपको, ये वर्टिकल, ये डिस्टेंस। वह इसकी ओ से जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी फोर्स के लाइन ऑफ इक्वेशन की, ये हो जाएगी, और ये ए कॉस 30 हो जाएगी ना। होप यू अंडरस्टैंड। भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो है, तो बीच का एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हाइपोटेन्यूज ए है तो बेस की वैल्यू ए कॉस 30 हो जाएगी ना। तो एफ की वजह से जो टॉर्क होगा एफ इंटू ए कॉस 30 हो जाएगा। अब आपको पता है नॉर्मल की वजह से टॉर्क तो 0 है, फ्रिक्शन की वजह से भी 0 है, क्या चीज को बैलेंस कर रहा होगा, वेट की वजह से टॉर्क। तो वेट की वजह से जो टॉर्क हो जाएगा एम वी इंटू ए बाई टू हो जाएगा, क्योंकि एम जी की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई टू ही तो है ना। कि भाई इस पॉइंट के अबाउट अगर हम सोचें तो एफ इसको क्लॉकवाइज टर्न करना चाहता है और एम जी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बैलेंस कर रहे होंगे, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, बस इससे सॉल्व कर लो आप। तो एफ ए इंटू और फ्रिक्शन, बेटा फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क तो 0 हो गया, क्योंकि ओ पॉइंट जब लेंगे ना तो फ्रिक्शन भी तो वहीं से पास हो रहा है। फ्रिक्शन यस सो गॉट, की वजह से भी टॉर्क 0 हो गया, तो इसलिए तो मैंने ओ पॉइंट लिया है। सेंटर लूंगा तो क्या होगा, सेंटर लेंगे तो एफ की वजह से भी टॉर्क फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से भी होगा, और दोनों को मिलकर नॉर्मल बैलेंस करेगा, है ना। उससे भी यही आंसर आएगा, मैं अभी बता भी देता हूँ कैसे आंसर सेम आएगा, लेकिन ये ज्यादा कन्वीनियंट पॉइंट ये है। ओ एन की वजह से 0 हो गया, फ्रिक्शन भी तो वहीं से पास हो रहा है, वो भी 0 हो गया। एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम जी इंटू ए बाई टू आ गया, है ना। तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, टू भी कैंसिल हो गया, एफ मिनिमम की वैल्यू एम जी बाई रूट थ्री आ गई। इसको अगर टॉपल करना है तो इतना मिनिमम फोर्स चाहिए होगा, इससे ज्यादा फोर्स होगा तभी ये टॉपल करेगा, इससे कम फोर्स होगा तो इट विल नॉट टॉपल, है ना। ये जो होगा वो टॉपल नहीं करेगा। अगर मैं सेंटर के अबाउट लेता, वो भी समझ लो आप थोड़ा सा, कि सेंटर के अबाउट लेता फिर भी यही आंसर आना चाहिए, आंसर में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओ के अबाउट थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अगर मैं सेंटर के अबाउट लेता ऐसे इसी ट्राइंगल में, है ना, मैं लेता हूँ उसके सेंट्रॉइड के अबाउट, तो सेंट्रॉइड क्या होता है ना, ये डिवाइड कर देता है किसी भी ट्राइंगल का। सेंट्रॉइड एच बाई थ्री हाइट पे होता है ना, तो टोटल हाइट अगर इसकी ए कॉस 30 है ना, तो ये वाली चीज ए बाई टू रूट थ्री हो जाएगी, है ना। टोटल हाइट अगर ए रूट थ्री बाई टू है तो उसका 1/3 आ जाएगा, तो ए बाई टू रूट थ्री हो जाएगी, और ये वाली जो होती है वो 2a/3 होती है, तो ये चीज आपकी ए बाई रूट थ्री हो जाएगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, बस मैं इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल हाइट आ जाएगा, तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पे होता है। अब इसमें हम लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे वेट लग गया, यहाँ नॉर्मल शिफ्ट होके आ गया, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन लग गया, और टिप पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो अगर मैं सी के अबाउट टॉर्क बैलेंस करूं तो एफ की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ इंटू ए बाई रूट। फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन इंटू ए बाई ए टू। बाय टू अब वेट की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से ही तो वेट पास हो रहा है, लेकिन नॉर्मल की वजह से होगा, नॉर्मल की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, नॉर्मल इंटू ए बाई टू। और अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो मतलब स्मॉल एफ जो होगा वो कैपिटल एफ के इक्वल हो जाएगा, है ना। और एन की जो वैल्यू होगी वो एम जी के इक्वल हो जाएगी, तो इससे भी सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल सेम आंसर आना चाहिए।
है ना, किससे भी सॉल्व करके आंसर सेम होना चाहिए, है ना। ये आपका आंसर आ गया इस। कि कोई चीज अगर इक्विलिब्रियम में है ना, तो पॉइंट कोई भी चूज करें रहेगा तो इक्विलिब्रियम में, किसी भी पॉइंट के वो टॉक बैलेंस होंगे। वही आ रहा है। है ना, सेम होगा आपका। देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता इससे, तो ये कंसेप्ट बड़ा क्लियर होता है इससे। तो जो कन्वीनियंट पॉइंट हम ले लेते हैं, इसमें कॉर्नर से फायदा ही होता है, दो टॉप जीरो हो जाते हैं, तो सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस करके जाता है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके टॉपलिंग के क्वेश्चन होते हैं, है ना। टॉपलिंग के कंसेप्ट बेसिकली आपको ये होता है, आपको थोड़ा सा जानना होता है। हाँ, एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको थोड़ा सा फिजिकली मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं है मेरे पास। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है ना, कि देयर इज इंक्लाइन प्लेन, और ये इंक्लाइन प्लेन रफ है ना। और अगर ये इंक्लाइन प्लेन रफ है और इसके ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ है ऐसे, है ना, इसके ऊपर आपने कोई इस तरह से बॉक्स रख दिया, ये ऐसा है ना, कि बॉक्स रखा हुआ है, रेस्ट पे है ये बॉक्स। बॉक्स की आपको दो चीजें दी हुई हैं, हाइट दी हुई है एच, और इसकी विड्थ दी हुई है बी, है ना। और ये एंगल थीटा है, और ये इंक्लाइन प्लेन रफ। रफ अगर नहीं होगा तो रहेगा कैसे इसके ऊपर, अदरवाइज तो स्लिप कर जाएगा ना, है ना। तो आपको पता है कि इसके फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं, तो एक तो इसमें वेट लग जाएगा ऐसे, तो वेट तो सीधे डाउनवर्ड लगेगा, है ना। वेट तो इसके सेंटर पे लग जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। एक इसमें फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ, तभी तो स्लिप नहीं कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। और कौन सा फोर्स इसमें लगेगा? नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल कहाँ एक्ट करेगा? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। हाँ, लेकिन परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन के सेंटर पे, क्या यस सेंटर सर। है? हाँ? क्या सेंटर से पास होगा? नहीं, सेंटर से पास होना कोई जरूरी नहीं है, वही आपको निकालना है इस केस में। ये हो सकता है कि जो नॉर्मल फोर्स हो ना, वो शिफ्ट होकर यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा कहीं पे, है ना। बी हटा देता हूँ, बी की एक्चुअली मुझे जरूरत नहीं है, आपका आंसर सिर्फ एच के टर्म्स में ही आता है, तो बी हटा दो यहाँ से। वेट तो लगेगा, वेट तो मुझे पता होता है हमेशा सेंटर पे लगता है, जो फ्रिक्शन है वो इस सरफेस के अलोंग लगेगा, नॉर्मल का पता नहीं होता कहाँ लगेगा। तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि नॉर्मल यहाँ लग रहा है कहीं पे, है ना, कि जो नॉर्मल लग रहा है वो यहाँ से कहीं से पास हो रहा है ऐसे, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया टॉपलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, अभी तो ये टॉपल नहीं कर रहा है। और ये जो शिफ्ट हुआ है सेंटर से इधर, ये एक्स से शिफ्ट हो गया नॉर्मल, है ना। तो आपको एक्स ही बताना है, कि फाइंड आउट एक्स। एक्स क्या है? अच्छा एक्स जो है जितने से नॉर्मल नीचे शिफ्ट हुआ है, तो भाई नॉर्मल सेंटर से नहीं पास होके थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, तो जितने डिस्टेंस से नॉर्मल की पॉइंट ऑफ एलोकेशन शिफ्ट हुई है ना, वही एक्स है। फाइंड आउट एक्स, ये टॉपल करने के बाद होगा ना? नहीं, टॉपल करने के बाद नहीं होगा, रेस्ट पे ही। फाइंड आउट एक्स, तो फिर चेंज कैसे हो गया? बेटा ये टॉपल तो करेगा। अब देखो, मैं अगर सेंटर ऑफ मास के बाद टॉप ही हूँ,
वही लॉजिक लग गया। तो अगर सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क ले लूं तो वेट की वजह से टॉर्क तो जीरो होगा है ना, फ्रिक्शन इसको कैसे टॉपल करना चाहेगा, नीचे की तरफ गिराना चाहेगा ना इसे। तो अगर ये टॉपल नहीं हो रहा मतलब कोई ना कोई चीज तो उसको रोकेगी, तो क्या चीज रोक सकती है, नॉर्मली तो शिफ्ट होकर रोकेगा। आप समझ गए कि भाई ये जो फ्रिक्शन है ये तो इसको सेंटर के बॉर्ड ऐसे रोटेट करके गिराना चाहता है, वेट की वजह से टॉर्क सेंटर के बॉर्ड जीरो है। तो अगर ये गिराना चाह रहा है और ये नहीं गिर रहा है, रेस्ट पे दिया हुआ है आपको है ना, कि भाई सो दैट फाइंड आउट एक्स सो दैट ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, रिमेन स्टेशनरी ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन। कि अगर ये रफ इंक्लाइन प्लेन पे स्टेशनरी है तो कितना से एक्स से नॉर्मल शिफ्ट हो गएगा, अगर वो शिफ्ट नहीं होगा तो स्टेशनरी रह नहीं सकता ये, तो टॉपल कर ही जाएगा। तो नॉर्मल नीचे जाके शिफ्ट होकर रोकता है इसको, मतलब नॉर्मल नीचे नीचे जाता जाएगा, एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम एक्सट्रीम एज तक जा सकता है, लेकिन एक्सट्रीम एज पे जाएगा नहीं जाएगा मुझे पता नहीं है ना, वो तो बोल रहा है अगर ये रेस्ट पे है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सोचो कैसे निकाल सकते हैं इसे टॉप बैलेंस करके। रिमेन स्टेशनरी ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। ना ये नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गलत कर रहे हो आप कहीं पे, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। आपके आंसर तो सही आ रहा है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। मेरा तो यही आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है, चल चेक करता हूँ मैं। मतलब मेरे पास जो आंसर है ना वो ये है, h बाई टू टेन थीटा, यही बता रहे हो आप क्या?
मैंने एच बाई टू टेन थीटा होगा। चलो चेक करते हैं, देखो क्या होगा। आपने वेट बना लिया, नॉर्मल यहाँ बना लिया, एक्स पे एक्स निकालना है आपको, फ्रिक्शन लग गया। अब वेट को मैं रिजोल्व कर दूंगा ना, तो वेट का ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अगर मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क लूं, तो वेट की वजह से टॉर्क तो जीरो हो गया, फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क होगा, फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क होगा एफ इंटू एच बाई टू हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस एच बाई टू हो जाएगी ना। तो इसको बैलेंस क्या करेगा, नॉर्मल वाला टॉर्क, क्योंकि वेट के वाला टॉर्क तो जीरो हो गया, फ्रिक्शन इसको पलटना चाहता है लेकिन नॉर्मल इसको रोक रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा नॉर्मल इंटू एक्स। बस ये इक्वेशन तो आ गया, बस सॉल्व हो गया। तो आप देखो फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, एम जी साइन थीटा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है ना वो तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, तो फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा हो गया। एन किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा, बस x की वैल्यू आ गई यहाँ से, mg mg कैंसिल, x की वैल्यू h by 2 tan थीटा आ गई, ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा। मतलब कोई भी बॉक्स अगर इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा रखा हुआ है ना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि नॉर्मल उसका सेंटर से पास हो रहा है ना, कि कोई भी चीज अगर इंक्लाइन प्लेन पे सपोज आपकी ऐसे रखी हुई है, नॉर्मल की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स नहीं होती है, टॉर्क डिसाइड करता है। जैसे इंक्लाइन प्लेन है, इस चीज को मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दिया है ना, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, तो हम नहीं बोल सकते कि इसका नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से पास कर रहा हो सकता है कि नॉर्मल कुछ आगे शिफ्ट होके आया हो, ताकि ये टॉपल नहीं करे। नॉर्मल हमेशा शिफ्ट होता है टॉपलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि नॉर्मल जो होगा वो हमेशा शिफ्ट होगा ताकि चीजें टॉपल नहीं करे। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होता है ना, वो टॉर्क डिसाइड करता है कि कहाँ पे वो फोर्स लगेगा, है ना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो टॉर्क को बैलेंस करके आता है, उसकी कोई पोजीशन ऐसे फिक्स नहीं होती है, है ना। तो हम ध्यान देंगे इस तरह से, एक्स की वैल्यू एच बाई टू टेन थीटा होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है तो कहाँ पे आपका ये एक्ट करेगा, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। हाँ ये कर सकते हो आप क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचो जरा, मुझे लगता है एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आता है ऐसा, एक एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, कहाँ घूम गया क्वेश्चन है, तो हाँ ये वाला मुझे लगता है एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ही है, एक्सेप्ट देख लेता हूँ मैं जरा।
नहीं, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ऐसे ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है वो। हाँ ऋतिक रानी, उसका आंसर तो आपका सही है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में तो एकदम आसान है, देखो इसका वेट को दो नॉर्मल बैलेंस कर रहे होंगे, है ना, एक नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा, एक नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा, और ये दोनों नॉर्मल मिलके 2n = इसका वेट हो जाएगा। तो पर्सन का जो वेट है ना, बाकी चीज़ का तो नेग्लिजिबल मास है, पर्सन का वेट जो है वो आपको दिया हुआ 80 kg, मतलब 800 न्यूटन, मतलब 1 लैक पे जो एन लग रहा होगा वो 400 न्यूटन लग रहा होगा। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट आपको ये बताना है कि जो बीच में क्रॉस पार है इसमें टेंशन कितना होगा। तो पूरे को सिस्टम लेंगे तब तो इंटरनल हो जाएगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, हाफ को सिस्टम ले लो आप, तो बहुत इजीली आ जाएगा ये। लेफ्ट या राइट हाफ को आप सिस्टम ले लो। So, कैसे करना है यहाँ पे? देखो कहने पहले तो समझ में आ गया ना ये कितना होगा, इसका तो कैसा? लेफ्ट हाफ को सिस्टम ले लेते हैं, है ना, क्योंकि पूरे को सिस्टम लेंगे तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। लेफ्ट हाफ को आप सिस्टम ले लो ऐसे, कि ये आपका कोई क्रॉस बार हो गया ऐसे ये वाला, और इससे आपका यहाँ पे कोई मैन वगैरह बैठा होगा उसकी जरूरत नहीं एक्चुअली, क्योंकि इसी पॉइंट को हम रेफरेंस ले लेंगे तो सारे टॉर्क 0 हो जाएंगे, है ना, कि सारे टॉर्क क्या हो जाएंगे इसके लिए आपके 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से एक एन लग रहा होगा ऐसे, है ना, यहाँ से कुछ वेट वगैरह लग रहा होगा, और एक आपका टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। अगर मैं इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लूँ, क्योंकि कहीं कोई रोटेशन नहीं हो रहा है ना, तो बैलेंस टॉर्क अबाउट हो,
अबाउट हु, लेफ्ट हाफ को सिस्टम ले लिया मैंने, तो जब टॉर्क लेंगे तो एम जी की वजह से टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, मतलब एन के टॉर्क को टी वाला टॉर्क बैलेंस कर रहा होगा, तो एन की वजह से टॉर्क जो होगा वो कितना होगा आप थोड़ा ध्यान दो, एन की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, निकाल सकते हैं क्या हम इसे, ये वाली हाइट आपको 2 मीटर दी हुई है ना, है ना, जो एंगल है ये वाला एंगल आपका मेरे ख्याल से 60 डिग्री है, है ना, ये वाला एंगल 60 तो है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 30 है तो ये 60 होगा, तो आप 10 60 डिग्री ले लो, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगी ना, तो 2 बाई बेस, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 बाई रूट 3, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस 2 बाई रूट 3 मीटर हो जाएगी, है ना, 2 बाई रूट 3 मीटर हो गई। और अब इस बात है टी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम ओ से देखें तो वो तो ये है, ये तो आपको दिए हुआ है 1 मीटर, है ना, बस टॉर्क बैलेंस कर लो कि भाई वेट जो वहां से पास हो रहा होगा उससे तो वो जीरो है, तो एन की वजह से जो टॉर्क होगा वो आपका हो जाएगा एन इंटू 2 बाई रूट 3, और इसको जो बैलेंस करेगा टॉर्क वो टी कर लेगा, तो टी इंटू आपका 1 हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एन की वैल्यू पहले हम 400 निकाल चुके हैं, तो ये 400 इंटू 2 बाई रूट 3 आ गया, है ना, ये टी इंटू 1 आ गया क्योंकि 1 मीटर था, तो ये टी की वैल्यू हो जाएगी, तो टी की वैल्यू 800/√3 आ जाएगी मीटर, तो हम कर सकते हैं, तो सेम क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में वैसा दिया हुआ है, उसको भी आप अटेम्प्ट कर लेना, पहले तो पूरे को सिस्टम लेके आपने एन की वैल्यू निकाल ली, फिर अगर पूरे को सिस्टम लेंगे तो ये टेंशन तो इंटरनल हो जाएगा ना, तो आपको किसी भी लेफ्ट या राइट हाफ को सिस्टम ले लो, और ओ पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ओ पॉइंट में मुझे नहीं पता कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कुछ भी लग रहे होंगे सारे टॉर्क जीरो हो जाएंगे, तो उसको सोचने की जरूरत ही नहीं, इसलिए मैंने वो ले लिया है, तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज करेगा, अगर रोटेट नहीं हो रहा है मतलब टॉर्क बैलेंस होंगे, बस हो गए क्वेश्चन सॉल्व, है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना, तो ये ही करना आपको, या तो टॉर्क बैलेंस होंगे या टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होगा, है ना, या तो टॉर्क एंड फोर्स बैलेंस होंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो फोर्स इक्वल टू एम ए होगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होगा, है ना, रोटेशन का मतलब फिलहाल जो हमने अभी तक पढ़ा है वो यही है, है ना, ठीक है, तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतनी काफी है, ज्यादा हो जाएगा, है ना, इसको थोड़ा सा ठीक से रिवाइज कर लेना आप, और इफ यू हैव टाइम देन गो थ्रू द मॉड्यूल ऑल्सो, है ना, मॉड्यूल में जितना तक आपने कर लिया उसको थोड़ा सा एक बार मॉड्यूल देख लो आप, क्योंकि रोटेशन बड़ा चैप्टर है ना, अगर हम लास्ट का वेट करेंगे फिर मुश्किल हो जाएगा, तो मॉड्यूल से एक बार रीड फ्रॉम मॉड्यूल और एससी वर्मा जो भी आपको लगता है, वॉट एवर यू फील बेटर, है या आपका एनसीईआरटी किसी भी एक बुक से थोड़ा सा पढ़ते रहो आप इसके फॉलोअप में, है ना, तो और उसको देखते रहो ऑफिस में, कोई भी बुक चूज कर लो, मॉड्यूल एससी वर्मा या एनसीईआरटी जो भी आपको लगता है, ठीक है ना, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।